कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतया ये कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आती है, अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना ये भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेली कम्युनिकेशन के लिहाज से, 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं, जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहां मौजूद हैं और तमाम चीजों को वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो DOT की है और CDOT की है। CDOT ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है, किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे DD न्यूज, अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे DD न्यूज ही चल रहा है, DD न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसके उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक डिजास्टर का एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप जल्दी से जल्दी किसी जगह पे चले जाएं। ऐसे ही फ्लैशेज जो है वो RAN रेडियो नेटवर्क के जरिए रेडियो पे चले जाएंगे, कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके बीच में ये घोषणा आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई समस्या आने वाली है, डिजास्टर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और मोबाइल के जरिए मोबाइल पे लोगों को फ्लैश चले जाएगा। तो CDOT की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, CDOT द्वारा विकसित स्वदेशी 5G कोर, ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है और सीधे ऑल इंडिया रेडियो, आपके DD न्यूज और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो
तकनीक है जो डिजास्टर के बारे में कोई भी जानकारी है। आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीजेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर के, उसमें किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना हो सरकार को, तो बहुत ही आसानी से मोबाइल पे, बहुत ही आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पे, बहुत ही आसानी से रेडियो सेट्स पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये सी डॉट की एक इंडिजिनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और वही इकोसिस्टम जो है उसी इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है, जो कि और जो ये भारत की शक्ति भी है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत की है और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सोल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस रेलवेज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर DRDO द्वारा दिया जाता है कि फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो कोर है उस पर किया जाए। ये सी डॉट में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं, अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजिनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फोकस है सरकार का, किस तरह से जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कैसे सरकार क्विक और त्वरित तरीके से जब जरूरत है जनता को वहां तक पहुंच पाए, तो उसका एक डेमोंस्ट्रेशन यहां पे किया जा रहा हूं। मैं बार बार कर रहा हूं जो आज सेवा की शुरुआत हो रही है सी डॉट के इस मंच के जरिए जिसकी प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत की, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे भारत के जन जन तक हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक कैसे इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच पाए उसकी एक तैयारी है। इसके आगे चलते हुए भारत को विदेश की जो कंपनियां हैं उनके साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी लेकर के आगे बढ़ना है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो तस्वीर आगे जाकर के आप देख रहे हैं उसमें जो यूजर केस है, मैं आपको बार बार इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका यूजर केस जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि कैसे 5G का इस्तेमाल हमारे आम जनजीवन के आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त एयरटेल के 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री और एग्रीकल्चर को लेकर के एग्री सॉल्यूशंस जो एयरटेल का है जो इस पर प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर फैसले ले पाए उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, तो ये एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ये, और बता भी रहे हमारे सहयोगी अजय किस तरह से 5G सर्विसेज का एग्रीकल्चर में तमाम, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज किया जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मार्ट फार्मिंग में उसका सबसे ज्यादा जो यूजर केस है इरिगेशन को लेकर होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है सरकार का जो फोकस है उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, किस वक्त दिया जाए वो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता, पानी का वेस्टेज होता है, उसके बाद में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आप कैसे स्मार्ट इरिगेशन करें, कैसे आप जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांटेशन में अगर आप केवल एक सेंट्रल